हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ पल्लवी और आज मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये है नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में कैसे रोजाना मेकअप कर सकती है। बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक है। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं अपने फेस पे नेचुरल ग्लो के लिए यूज़ कर रही हूँ रोज़ ग्लो टोनर। एंड गाइज, मैंने यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। सो यहाँ मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, क्योंकि गाइज समर सीजन आ चुके हैं तो हमें किसी थिक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। सो आई प्रिफर फॉर दिस। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ NYBA का मॉइस्चराइज़र। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल अपने फेस को प्राइम करने के लिए। एंड गाइज, ये आपको एक ग्लो भी देता है, एक शाइन भी देता है आपके फेस पे। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्स बीबी क्रीम एंड इसमें SPF 30 भी है एंड मेरा शेड है 01 ओरिजिनल। मैंने बहुत थोड़ा सा लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है, अपने नेक एरिया पे भी। एंड गाइज, डेली बेसिस पे ये बीबी क्रीम बहुत ही अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें हमारा बेस बहुत ही लाइट चाहिए होता है। सो ये बहुत ही अच्छा बीबी क्रीम है। सो इसे मैंने अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और लेके अपने अंडर आई एरिया पे एंड आईलेट पे एंड मुझे जो भी थोड़े डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं मैं वहाँ पे इसे हल्का सा लगा ले रही हूँ एंड अपने फिंगर की हेल्प से ही अगेन इसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं इसे सेट करने के लिए ले रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट, ताकि ये पूरे दिन अच्छे से स्टे करे। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ एलेटीन का ये लिपस्टिक एंड ये पिंक शेड में है, इसे मैं अपने आईलिड पे लगाऊंगी एज अ आई शेडो, क्योंकि गाइज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आई शेडो वगैरह अच्छे से ब्रश से यूज़ करें। तो आप ये नॉर्मल डेली अपने आईलिड पे हल्का सा कलर देने के लिए यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। सो इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं सेम लिपस्टिक को अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे भी हल्का सा कलर देने के लिए यूज़ करूँगी एंड मैं इसे भी अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड यू गाइस, कितना नेचुरल लुक आ रहा है। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए मैं यहाँ मेबेलिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत ही हल्का सा विंग ड्रॉ किया है। सो या नेक्स्ट मस्कारा के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा
और इसे मैं हल्का सा बस एक कोट यूज करूंगी। नेक्स्ट काजल के लिए मैंने यहाँ मेबेलिन का काजल लिया है। ऐसे मैं अच्छे से अपने लोअर वाटर लाइन पे लगाऊंगी। अपने आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ माल्याओं का आईब्रो पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं ये ग्रे शेड लेके अपने आईब्रो को फिल करूँगी। फर्स्टली मैं इसके साथ जो कुमुकी ब्रश है उससे अपने आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर लूँगी एंड देन मैं यहाँ अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक किस ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक और ये रेड शेड में है, चिल्ली रेड शेड। सो या गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड गाइज आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया हो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।